हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम जो वायरलेस में आता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी जब पहले वायरलेस डेवलप किया तब। तो उसमें क्या है कि तीन नोड है आपके, ए बी और सी, राइट। तो उसमें क्या होता है कि सपोज़ ए बी को कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है, राइट, क्योंकि वो उसकी रेंज में है, और जो बी सी है वो बी की भी रेंज में है, और बी सी की रेंज में है और बी ए की रेंज में है। तो सपोज़ सेम टाइम पे यहाँ पे सी भी रिक्वेस्ट करेगा बी को कोई डेटा लेने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा बी पे। तो इसे हम बोलते हैं कि हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। तो ये हिडन टर्मिनल कैसे हुआ कि सपोज़ ए को पता नहीं है कि सी यहाँ पे बी को सेंड कर रहा है, और सी को पता नहीं कि ए यहाँ पे बी को सेंड कर रहा है कोई डेटा। तो इसीलिए बोलते हैं कि हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, मीन्स ए हिडन फॉर द सी एंड सी हिडन फॉर द ए। तो यहाँ पे कोलिजन कहाँ पे होता है, बी पे होता है। तो उसका एक सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया हुआ है, जो मैंने अगले वीडियो में बोला था, RTS एंड CTS, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा कि सपोज़ पहले ये जो वाला मेथड है वो भेजेगा RTS। तो उसका मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट टू सेंड। इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, रिक्वेस्ट टू सेंड, एंड CTS स्टैंड फॉर क्लियर टू सेंड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज़ पहले रिक्वेस्ट किया है ए ने, अभी सी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करेगा बी को RTS, राइट। लेकिन बी क्या करेगा, पहले किसकी सुनी है उसने, जो भी लिसन किया है रिक्वेस्ट ए की, तो वो क्या करेगा, ए को यहाँ पे CTS भेजेगा, क्लियर टू सेंड, मीन्स आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। और तब जब सी ने जो भी RTS भेजा था बी को, उसका कोई आंसर नहीं मिलेगा, दैट मीन्स सी को पता चलेगा कि यहाँ पे अभी कोई अनदर ट्रांजेक्शन चल रहा है, मीन्स कोई कम्युनिकेशन चल रहा है ए के बीच में से, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को डेटा इजीली सेंड कर सकता है। अभी इसका RTS आया था सी का बी के पास, तो जब इसका ट्रांसमिशन ख़त्म होगा तो ये क्या करेगा, सी को CTS भेजेगा, फिर CTS स्टार्ट करेगा, फिर सी स्टार्ट करेगा से डेटा स्टैंड करने का बी को। तो ये हुआ हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। मैं एक और आपको बता देता हूँ आगे कि ये है एक्सपोज हिडन टर्मिनल। दूसरा प्रॉब्लम है टर्मिनल प्रॉब्लम। तो उसका मतलब क्या होता है, तो सपोज आपके पास चार नोड है अलग अलग, राइट, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ए है बी है सी और डी सेम। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे सेंड कर रहा है, सी बी को सेंड कर रहा है, तो सेम वही प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ये क्या हुआ था, पहले जो हमारा हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम था, एक दूसरे के हिडन था, ए सी के लिए हिडन था और सी ए के लिए हिडन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, चारों नोड अलग अलग है, किसी के लिए हिडन नहीं, सबको पता है। लेकिन क्या करेगा कि ये सेम टाइम पे यहाँ पे सेंड करेगा जो भी रेंज में होगा डेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सपोज सी को डेटा भेजना है ए को, राइट, तो वो क्या करेगा, यहाँ से RTS सेंड करेगा। लेकिन RTS कौन कौन रिसीव करेगा, डी भी रिसीव करेगा, ए भी रिसीव करेगा और बी भी। लेकिन वो आइडेंटिफाई करेगा कि एक्चुअली ये डेटा किसका है, तो वो सोचेगा यहाँ पे पैकेट में इंफॉर्मेशन होगी, ये बोलेगा कि ये मेरा डेटा है, देन ए सेंड दी CTS, मीन्स क्लियर टू सेंड। अभी क्या होगा, जो ये RTS CTS नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा, क्योंकि पता नहीं होगा कि किसका डेटा किसके पास जा रहा है। लेकिन ये भेजेगा कि ए है वो CTS भेजेगा, CTS, देन डी और बी अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने तो कोई RTS भेजा नहीं, तो हमारा है नहीं, तो वो डेटा सेंड नहीं करेंगे, लेकिन सी ट्रांसफ़र करेगा ए को। तो ये है हिडन एक्सपोज टर्मिनल, मीन्स एक्सपोजन हिडन टर्मिनल। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।